हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल प्रीति मेकअप। तो गाइस, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, मेरी प्यारी सी सब्सक्राइबर है उनके लिए मैंने मेकअप लुक क्रिएट किया। डियर, अगर आप लोगों के लिए वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल हो, अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये साथ ही साथ यहाँ पर मैंने मैरिड और अनमैरिड को ध्यान में रखकर मेकअप लुक क्रिएट किया। अगर आप अनमैरिड हो तो बिंदी और सिंदूर हटा दीजिएगा। प्लस मैं मस्कारा नहीं लगाई हूँ, भूल गई हूँ, तो प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं और बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो आप लोगों को। कि मेरी फिनिश हो गई है, तो ये है गुड वाइब्स की क्रीम, बहुत ही अच्छी है। तो मैं पूरी ठंडी लगाई थी, काफ़ी अच्छा इफेक्ट आता है आपकी स्किन में। अगर आपकी ड्राई स्किन है ना, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिए, बट गर्मी में इससे आपके फेस पे पसीना भी आ सकता है। ठंडी के लिए बहुत ही अच्छी है। प्राइमर के लिए मैं हुडा ब्यूटी का प्राइमर ली हूँ, ये बजट में है, हर किसी के पास प्राइमर नहीं होता, इसलिए मैं ये लेती हूँ। तो जैसे आप एलोवेरा जेल खरीदते हो, सेम इसको भी ले सकते हो, 100 रुपीज़ में आपको आराम से मिल जाता है। एनवाइबे का कंसीलर, मेरा सेड है गोल्डन 3। इसको अच्छे से अपने आईलेट पे अप्लाई कर लीजिएगा और एक ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर लीजिएगा। अगर आपके पास नहीं है तो फिंगर से ब्लेंड कर लीजिएगा, ठीक है। कलर को सेट करने के लिए मैं ले रही हूँ बेबी पाउडर, जो है हिमालया का, और हल्के हल्के से एक्स्ट्रा निकालते हुए सेट कर लेना कंसीलर का पैलेट। ये और ये, इन दो शेडों को अच्छे से मिक्स करूंगी। आज मैं ट्रांजिशन सेट के लिए इसी को अप्लाई कर रही हूँ। आउटर कॉर्नर से स्टार्ट करना, इनर कॉर्नर तक ले जाना है, और आपको थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का सा अपने ब्रश में लेना है और हल्के हल्के से ब्लेंड करना है, इनर कॉर्नर से आउटर कॉर्नर तक, आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर तक, आईलेट में छोड़ दीजिएगा। ले रही हूँ एनवाईबी के लिपस्टिक, मेरा शेड है 4, और इसको हाफ आईलेट पे अच्छे से अप्लाई करिएगा और उसके बाद तुरंत ब्लेंड कीजिएगा, वरना आपका जो लिपस्टिक है वो केकी हो जाएगा। जल्दी से आपको ब्लेंड करना, सूखने नहीं देना है। तो यहाँ पर मैं फ्लैट ब्रश की हेल्प से अच्छे से ही इसको ब्लेंड कर ले रही हूँ। ये देखिए गोल्डन वाला शेड, पहले इनर कॉर्नर पे मैं अप्लाई करूँगी हल्का हल्का सा, हल्का सा गोल्डन शेड लेके आउटर कॉर्नर पे फ्लैट ब्रश की हेल्प से हल्का हल्का सा अप्लाई करूंगी, ये वाला शेड पिक करूंगी, और इसके बाद इनर कॉर्नर पे हल्का हल्का सा सेम फ्लैट ब्रश से इस तरीके से अप्लाई कर लेना, धीरे धीरे से आपको थोड़ा थोड़ा सा। यहाँ पर फिर मैं वही पर्पल और ब्लू वाला शेड मैंने पिक किया और हल्का हल्का सा इस तरीके से ब्लेंड कर लूंगी। थोड़ा सा आपको लेकर हल्का हल्का सा अप्लाई करना, अगर आप इकट्ठे अप्लाई कर लोगे ना तो वो बहुत ज़्यादा गंदा भी दिखेगा, प्लस मैसी भी हो जाएगा। इसके बाद मैं ले रही हूँ पेंसिल ब्रश, इसी से मैं अपने लाइनर को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। यहाँ पर मैं मोर्फी का पैलेट ली हूँ, उसी में से मैंने ब्लैक वाला शेड पिक किया और हल्के हल्के से अप्लाई कर लिया। देन मैं लगाऊंगी काजल, इसी से मैं काजल लगाऊंगी और अपने आईब्रो को भी मैं अच्छे से फिल करूंगी, इसी से काफ़ी अच्छे से फील हो जाती है, बट आपको थोड़ा थोड़ा सा लेकर लगाना। अगर आप बिगनर हो तो पेंसिल लाइनर लगाइएगा। इसके बाद मैंने लिया लैक्मे का फाउंडेशन, जो बहुत ही अच्छा है, मेरे स्किन टोन के हिसाब से बहुत ही अच्छे से जा रहा है। आप देखिए, बिल्कुल भी लाइट नहीं है और ना ही डार्क है, आप खुद ही देख लीजिए, बहुत ही अच्छा है। मुझे पर्सनली ये पसंद आता है, बट सबसे ज़्यादा तो मेरा फेवरेट मेबेलिन फिट मी है। तो आप लोग बोलते हो दी एक ही दिखाते हो, इसलिए मैंने कहा चलो कुछ और भी आपको दिखा देती हूँ। फिर मैंने लिया हिमालया का बेबी पाउडर, इसी से मैं अपने पूरे फेस को सेट कर ली हूँ, बट मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा लगाया है। फिर मैंने यहाँ से आई पैलेट से ब्राउन वाला सेट पिक किया है और इसी से मैं ब्राउन्जर कर रही हूँ, नोज को, चिक को, फोरहेड को अच्छे से ही कर लूँगी। इससे आपके फेस का जो शेप है ना, बहुत ही अच्छा दिखता है, थोड़ा सा डिफरेंट दिखता है। जहाँ आपके भरे भरे फेस है वहाँ पर आप स्लिम भी दिखा सकते हो। फिर मैं अपने पाउडर को निकाल दूंगी जो मैंने एक्स्ट्रा लगाया था, और इसके बाद मैं ले रही हूँ वही वाला फाउंडेशन मेबेलिन फिट मी, जो मेरा फेवरेट है, इसी से मैं कंसीलर कर रही हूँ। आज मैंने कंसीलर नहीं अप्लाई किया है। यहाँ पर मैं आज पिक कर रही हूँ पीस कलर ब्लशर के लिए, थोड़ा सा डिफरेंट दिखाने के लिए, ठीक है, हल्का हल्का सा लगा लेना। इसके बाद मैं ली हूँ एलेगल का लेमिनेटर, बहुत ही अच्छा है, इसी से मैं हाईलाइट करूँगी। कोई भी हाईलाइटर मैंने नहीं लगाया है, इसी को मैं हाईलाइटर के लिए अप्लाई कर रही हूँ। देन मैं ले रही हूँ मेकअप सेटिंग स्प्रे, इससे मैं अपने पूरे मेकअप को अच्छे से सेट कर लूँगी, और इसके बाद मैं अप्लाई करूँगी अपनी हुडा ब्यूटी की लिपस्टिक, और मेरा शेड है रेड, काफ़ी डार्क वाला, काफ़ी अच्छा है, आप खुद ही देख लीजिए, मुझे काफ़ी ज़्यादा ये शेड पसंद आता है। तो चलिए, ये रहा मेरा पूरा फाइनल लुक, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एयरिंग मैंने ली थी फ्लिपकार्ट से, आप बोलोगे तो मैं लिंक दे दूंगी, और डियर आप बताइएगा, आपने रिक्वेस्ट की थी तो फाइनली आपकी रिक्वेस्ट मैंने पूरी कर दी। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि पर्सनली आपको मेकअप कैसा लगा। मिलती हूँ अच्छे से वीडियो के साथ।